नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मायावती के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह गिरफ्तार। बसपा अध्यक्ष मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा से निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह को पुलिस ने शुक्रवार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक दलजीत चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दयाशंकर सिंह को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया गया है। चौधरी के अनुसार बिहार पुलिस की मदद से उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने दयाशंकर सिंह को उनके बक्सर स्थित पैतृक आवास के पास से गिरफ्तार किया। पुणे में निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा, 9 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ के पास बालेवाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से उसमें काम कर रहे 9 मजदूरों की मौत हो गई और 15 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार घटना उस समय की है जब प्राइड पर्पल ग्रुप की एक निर्माणाधीन इमारत की 14वीं मंजिल पर मजदूर काम कर रहे थे। आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार मजदूरों को बचाव के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की गई थी। यूपी के बलरामपुर के 150 गांव राप्ती की बाढ़ में घिरे। नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में राप्ती नदी और पहाड़ी नालों में आई बाढ़ ने जिले के करीब 150 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार नेपाल के चकरधड़ी बैराज से छोड़े गए पानी और रुक रुक कर पहाड़ों पर हो रही बारिश से राप्ती नदी का जल स्तर खतरे के निशान 104.620 को पार कर 105.150 तक पहुँच गया। नदी की बाढ़ से तटवर्ती अलीपुर, कटरा, पिपरा, जमुनहा, टेंगनिया, मानकोट, टेडवा, बांक भवनी, जवदहा, जवदही समेत करीब 150 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। मुंबई लोकल ट्रेन को 3 वर्ष में 3393 करोड़ रुपए का घाटा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई लोकल ट्रेनों के परिचालन से पिछले 3 वर्षों में 3393.69 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। प्रभु ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2012-13 से लेकर 2014-15 तक मुंबई लोकल ट्रेन के परिचालन से यह घाटा हुआ है। इन 3 वर्षों में वहां लोकल ट्रेनों के परिचालन से 4535.88 करोड़ रुपए की आमदनी हुई जबकि व्यय 79.57 करोड़ रुपए रहा। इस तरह से 3393.69 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि रेलवे की आमदनी प्रत्येक वर्ष व्यय में होने वाली बढ़ोतरी के अनुरूप नहीं है। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने जम्मू में समायोजित करने की मांग की। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में सरकारी नौकरी करने वाले कश्मीरी पंडितों ने मांग की है कि जब तक उनके समुदाय के लोगों की घाटी में वापसी नहीं हो जाती उन्हें जम्मू में समायोजित किया जाए। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की 8 जुलाई को मुठभेड़ में मौत के बाद घाटी में खराब हालात के शिकार इन कर्मचारियों का धरना शुक्रवार को 17वें दिन में प्रवेश कर गया। ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले राहत एवं पुनर्वास आयुक्त के कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे समुदाय के लोगों का कहना था कि वे केंद्र और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद घाटी में नौकरी करने गए थे लेकिन उनके लिए वहां काम करना मुश्किल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।